तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हेन समवन सेज यू आर लुकिंग गुड, तो इस तरीके का एक ट्रेंड है जो इंस्टाग्राम के रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने जो राजू भाई है, मतलब हेरा फेरी मूवी में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, उनका एक क्लिप यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको रील बनाना होगा तो उसे कैसे बनाते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको सब जो मटेरियल है वो रेडीमेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और ऐसे नए नए कॉन्टेंट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियो बनाना होगा तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है VN एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन मैं अभी स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन की एक खास बात है कि इस एप्लीकेशन से अगर आप वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करोगे तो उस एप्लीकेशन का वाटरमार्क उस वीडियो पे नहीं आता, इसलिए मैं ये वाला एप्लीकेशन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आपको इस सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको नीचे सबसे पहले एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है, तो उस प्लस के आइकॉन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके बाद जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके का एक आपका मिरर में क्या बोलते हैं उसको, मिरर वीडियो आपको इस तरीके से एक बना लेना है। या आपको और भी कोई एक वीडियो रहेगा तो इस तरीके से आपका एक वीडियो आपको यहाँ पे रेडीमेड रेडी करके रखना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर प्ले हो रहा है उस तरीके से एक वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे मिरर में कैमरा पकड़ के इस तरीके से एक वीडियो बना सकते हो, एक सिंपल सा एक वीडियो यहाँ पे बनाना है तो इस तरीके से। और उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो मिनिमम आपका 4 सेकेंड होना चाहिए। तो 4 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, उसे आप क्रॉप कर सकते हो। 4 सेकेंड से कम उसका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। और सेकेंड जो वीडियो है जो है ये वाला है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये वाला वीडियो के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये वाला वीडियो मैं डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करूँगा रेडीमेड वीडियो। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट किया हुआ है, उस लिंक के ऊपर टैप करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये वाला जो क्लिप है अक्षय कुमार का ये वाला मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको उसे डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी गैलरी में वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका कैमरा वाला जो वीडियो है, मतलब आपका जो मिरर सेल्फी वीडियो जिसे बोल सकते हो आप, तो वो वाला वीडियो आपका खुद का वीडियो जो है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये अक्षय कुमार वाला वीडियो है इसे सिलेक्ट करना है। ये हो जाने के बाद राइट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर पे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल करके लिखा हुआ दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। थोड़ा सा इसे राइट साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको 9:16 का एक रेशो दिखेगा, इस रेशो को आपको सिलेक्ट करना है। और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर फिर से टैप करना है, तो यहाँ पर ही अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आपने खुद का ऐड किया है, जो स्टार्टिंग में जो वीडियो ऐड किया है, उसका नीचे आपको बार दिख रहा होगा जहाँ पर मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो उस बार को ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, तो इस वॉल्यूम के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसे आपको 0 कर देना है। और नीचे आपको एक अप्लाई टू ऑल है तो उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। ये हो जाने के बाद ऊपर आप देख सकते हो जहाँ पर मैं अभी टैप कर रहा हूँ, कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैप टू ऐड म्यूजिक, तो इस टैप टू ऐड म्यूजिक के ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद इस ट्रेंड में एक बैकग्राउंड ऑडियो प्ले होता है, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस लिस्ट में आपको वो दिख जाएगा। तो इस बैकग्राउंड ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो हर एक साउंड के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन है, तो उस चूज के ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। तो यहाँ पर ये ऑडियो है, इसके सामने जो चूज का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 पूरा करना है, फेड इन है इसे 0 रखना है, फेड आउट है इसे भी 0 रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। ये हो जाने के बाद ये जो फर्स्ट वीडियो है इसका ड्यूरेशन आपको 3.04 इतना रखना है। तो आप इसका ड्यूरेशन कहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पर मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे 0.00 लिखा हुआ है। तो जैसे अभी आप ये वाला वीडियो का बार ऐसे ऐसे मूव करोगे, इस तरीके से मूव करोगे, तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3.04 जैसे ही आएगा वहाँ पे जाके आपको रुक जाना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3.04 आ चुका है।
इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो वीडियो का बार है इसे सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, तो स्प्लिट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो ये वीडियो दो हिस्सों में बट जाएगा, जहाँ पर आपने ये कर्सर रखा हुआ था, मतलब 3.04 से दो हिस्सों में बट जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला जो बचा हुआ हिस्सा, इसे इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो डिलीट के ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, एकदम लास्ट में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का एक स्क्रीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उस डिलीट के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में चले आ जाना है। वीडियो के स्टार्टिंग में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको एक टी प्लस करके टैप टू एड सबटाइटल ऐसा ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे एक टी आ जाएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे आपको टाइप करना है व्हेन समवन सेज यू आर लुकिंग गुड, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है। इस तरीके से यहाँ पे टाइप करने के बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको ए का एक ऑप्शन दिखेगा, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ए है, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट्स मिलेंगे, तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको साइज इंक्रीज करने का भी ऑप्शन है, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे सब कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हो, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट मतलब रेडीमेड फॉन्ट है, तो उसमें वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो मैं इसमें का ही एक यूज़ कर लूँगा। तो जैसे मुझे ये वाला यूज़ करना है, तो इसके ऊपर टैप करूँगा, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। अभी आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड किया है, तो ये टेक्स्ट का यहाँ पे बार आप दिख रहा होगा, जहाँ पर मैंने अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, तो इस तरीके से आपको इसे ड्रैग करना है जहाँ तक आपका फर्स्ट क्लिप आपने ऐड किया, जो फर्स्ट वीडियो आपका है, वहाँ तक इसे आपको ड्रैग करके लेके आना है। तो ये हो जाने के बाद ये जो आपको स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है, आप इस तरीके से यहाँ पे इसे मूव भी कर सकते हो, मतलब इसका जो पोजीशन है वो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, साइज वगैरह भी गेन इंक्रीज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हेन समवन सेज, तो यू का स्पेलिंग यहाँ पे मेरा गलत आ चुका है, वाई ओ यू है, वाई आई यू हो गया, तो उतना आप देख लो, आप ठीक से लिख लो। अभी आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा सा गलत होगा यहाँ पे, लेकिन आप वाई ओ यू ऐसा ही लिखना है, यू का स्पेलिंग ऐसे ही मत लिखना। तो ये हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे, तो यहाँ पे आपका जो वीडियो है, जो रील है, वो यहाँ पे परफेक्टली बन चुका है बीट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये ट्रेंडिंग रील आप बना सकते हो। इसके बाद लास्ट में आपको सिर्फ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपका वीडियो जो है वो रेडीमेड यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब भी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सेव टू एल्बम। 100% एक्सपोर्ट होने तक आपको इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज नहीं करना है, क्योंकि चांसेस है कि फेल हो सकता है ये एक्सपोर्टिंग। तो इसको 2 मिनट लगेंगे एक्सपोर्ट होने में। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आप देख सकते हो सेव टू एल्बम का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको टैप करना है, या आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है, इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।